Assalamualaikum alaikum, viewers. i hope you all fine. i'm alif khan and today we will discuss about uh, community level and biosphere level. so let's start with uh, a community is an assemblage of different populations interacting with one another within the same environment. Uh, our forest may be considered as a community. फॉर uh, एग्ज़ाम्पल जो एक जंगल है वो भी कम्यूनिटी है क्यों क्योंकि इट इंक्ल्यूड्स डिफरेंट प्लान्ट माइक्रो ऑर्गेज़म फनजाई एंड एनिमल स्पीशीज़ क्योंकि इसमें पौधे भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं फनजाई भी हैं और इसके अलावा जानवरों की मुख्तलिफ और भी है. uh, स्पीशीज़ हैं उसके बाद चलते हैं कि कम्युनिटीज़ आर द कोलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज़ कि ये जो कम्यूनिटीज़ हैं ये जानदारों के बेसिकली मजमू होते हैं जिनमें एक पापोलेशन के साइज़ में इजाफा होता है तो दूसरे के साइज़ में जो है वो कमी हो जाती है सम कम्यूनिटीज़ आर कम्प्लेक्स अच्छा आगे जो है इसकी क्लासिफिकेशन है कि कुछ कम्यूनिटीज़ कम्प्लेक्स होती हैं और कुछ सिंपल होती हैं जो कम्प्लेक्स होती हैं उनकी एग्जांपल है फॉरेस्ट कम्युनिटी और पाउंड कम्युनिटी जो सिंपल कम्युनिटी है उसकी एग्जांपल है फॉलन लॉग विद वेरियस पापुलेशन अंडर इट मतलब एक गिरा हुआ दरख्त जिसके नीचे मुख्तलि पापूलेशन मौजूद होती हैं वो सिंपल कम्यूनिटी है अच्छा उसके बाद ये जो है सिंपल कम्युनिटी की कुछ बात कर रहे हैं जी इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज़ ऑफ पापुलेशन इज़ लिमिटेड कि जो सादा कम्यूनिटी होती है उसमें पापूलेशन की तादाद और उसका जो साइज़ है वो महदूद होता है सो एनी चेंज इन बायोटेक एन ए बायोटिक फैक्टर्स में हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग अफेक्ट सो इस वजह से फिर क्या हो सकता है कि जो बायोटिक या ए बायोटिक फैक्टर्स में होने वाली कोई भी तब्दीली है वो तबाहकुन और देर पा असर जो है वो रखेगी नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट लेवल की बायोसफेयर लेवल की दार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाई ऑर्गेनिजम्स कम्यूनिटी इज़ नाउन एज बायोसफेयर के ज़मीन का वो हिस्सा Uh, जहाँ जानदारों की कम्यूनिटीज़ uh, uh, जो हैं वो रहती हैं उन्हें उसको जो है बायोसफेयर कहते हैं अच्छा इसमें फिर क्या होता है जी इट कंस्टिट्यूट्स ऑल एको सस्टम ये तमाम एको सिस्टम पर मुश्तम होता है और एको सिस्टम क्या है द एरियाज़ वेयर लिविंग ऑर्गनिज़म्स इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट मतलब ऐसे इलाके जहाँ जानदार जो हैं वो माहौल के गैर जानदार अज़ा के साथ बाहमी ताल्लुक़ रखते हैं उसको एको सिस्टम कहते हैं एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द जून ऑफ लाइफ ऑन अर्थ मतलब बायोस्फ़ेयर लेवल को ही जून ऑफ लाइफ कहते हैं कि ज़मीन पर कुर्रा ज़िंदगी जिसको uh, बोलते हैं है uh, इसके बाद हम uh, जो है वो डायग्राम पे चलते हैं स्टार्ट नीचे से करते हैं यहाँ से सब अटोमिक अटॉमिक लेवल से हमने स्टार्ट किया था फिर उसके बाद हमने कहा कि ये जब मिल जाते हैं तो मोलिकुलर लेवल बन जाता है जो मोलिकुल आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनेली लेवल बनता है जब ऑर्गेनेली आपस में कंबाइन होते हैं तो सेल लेवल बन जाता है जब सेल आपस में कंबाइन करते हैं तो टिशू लेवल बन जाता है अब जब टिशू कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन लेवल ऑर्गन कंबाइन करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल और, और, और नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल कंबाइन करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल जो है वो बन जाता है और जब ये इंडिविजुअल आपस में कंबाइन करेंगे तो ये पापुलेशन लेवल बना देंगे अब डिफरेंट पापुलेशन एक साथ एक जगह पे रह रही होंगी तो ये कम्युनिटीज़ हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ एक साथ आ, जो है वो रहती हैं तो वो बायोसफेयर लेवल जो है वो बनाती हैं यहाँ तक हमारी आ, जो है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गनइजेशन जो है वो कम्प्लीट होते हैं सो आई होप यू गेट द आइडिया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग